ये सब कुछ जानने के बाद, देखने के बाद कैसे कहूँ कि ऐसा है मेरा कराची, जबकि इस्लामाबाद और लाहौर की सूरत हाल तो बिल्कुल मुख्तलिफ है। वहाँ न सिर्फ आलाइशें उठा ली गईं, खून के धब्बे तक मिटा दिए गए। बुजदार सरकार और सिंध सरकार काम कैसे कैसे करते हैं, हम आपको दिखाते हैं। बहुत बुरा हाल है, घर से निकलना मुश्किल हो गया। मैं कैसे कह दूं कि मेरा शहर सबसे खूबसूरत है, कैसे कह दूं कि हाँ ये कराची ही है। ये कल से इतनी बदबू आ रही है, यहाँ से गुजर नहीं सकता, किसी बंदे ने कोई चीज नहीं उठाई यहाँ से। बारिश आए तो पानी भर जाए, ईद आए तो आलाइशे नजर आए, कचरा गंदगी बदबू और हुक्मरान इसे देख क्या पाए। फिर कहते हैं कुछ हमसे भी सीख लो, कुछ हमारी भी सुन लो, तो सिखाने वालों को कुछ दिखाते हैं। इस्लामाबाद जहां आलाइशे नजर आना तो दूर, खून के धब्बे तक मिटा दिए गए। सुबह 7 बजे से लेके फर्स्ट डे में और रात 10 बजे तक हम लोग ऑन रोड रहे और हमने किसी जगह पे ब्रेक नहीं आने दी। 62,000 से जायद की आलाइशों का एस्टीमेट हुआ कि जो हमने उठाई है। कुछ हमसे भी सीख लो, कुछ हमारी भी सुन लो। सिखाने वाले लाहौर भी देखें, सड़कें गलियां चौराहे बाजार, सफाई के बाद खुद देखने निकले उस्मान बुजदार। मगर कराची में कहां है सिंध सरकार। कुछ हमसे भी सीख लो, कुछ हमारी भी सुन लो। अब आवाम तय करें किससे किसको है सीखना।